और यही कारण था कि एक सर्वमान्य नेता के रूप में दुनिया के अंदर और देश के अंदर उनकी स्वीकार्यता थी। हर व्यक्ति बड़े सम्मान और बड़ी श्रद्धा के साथ सरदार अटल जी का स्मरण करता रहे, आज भी करता है। उस समय उन्हें सम्मान देता था। जब वैश्विक मंच पर भारत के सामने कोई संकट आता था, नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी उन्हें तत्कालीन सरकारें वही सम्मान देती थी। भारत का नेतृत्व करने के लिए दुनिया में भेजते थे या देश के संकट के समय पक्ष और विपक्ष के भेदभाव को समाप्त करते हुए वे सरकार के साथ खड़े होकर के हमेशा इस बात को कहते थे कि हमारी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता हो सकती है, लेकिन जब देश का हित सामने आएगा तो हमें दल के हित से महत्वपूर्ण देश का हित हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। ये सरदार अटल जी ने कहा था। याद करिए 1971 के युद्ध में अटल जी ने उस समय विपक्षी दल के एक प्रमुख नेता के रूप में तत्कालीन कांग्रेस सरकार की नीतियों को देश के हित में समर्थन किया, लेकिन वही कांग्रेस की सरकार जब निरंकुशता ढाने लग गई 1977 में, लोकतंत्र को बचाने के लिए उन्होंने जनता पार्टी में भारतीय जनसंघ के विलय करने में भी कोई संकोच नहीं किया था। यानी देश हित में दल हित को दरकिनार करते हुए उन्होंने देश के हित में हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी, और केवल भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। और यह कार्य सरदार अटल जी ने सदैव इसको प्राथमिकता देकर के आगे बढ़ाने का कार्य किया। यही कारण है कि हर दल का व्यक्ति बड़ी श्रद्धा और बड़े सम्मान के साथ सरदार अटल जी का न केवल सम्मान देता था बल्कि उनका सदैव स्मरण करता है। आज के इस अवसर पर, जब सुशासन दिवस के अवसर पर हम सब पूरे प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, पूरे लखनऊ भर के जनप्रतिनिधिगण आज इस सदन में यहां एकत्र हुए हैं, भाइयों बहनों, हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि आप सभी अपने अपने स्तर पर एक बड़े क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। कोई ग्राम पंचायत का, कोई क्षेत्र पंचायत का, कोई जिला पंचायत का, कोई विधानसभा का, कोई संसदीय क्षेत्र में, कोई महानगर स्तर पर, कोई जनपद स्तर पर प्रतिनिधित्व करते हुए लोगों को नेतृत्व देता है। नेतृत्व देते समय हम सबको इस बात का ध्यान जरूर रखना होगा कि हमारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को प्राप्त हो। शासन की कार्य योजना व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बनती है, जाति मत मजहब क्षेत्र और भाषा से ऊपर उठ करके हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला और समाज के दबे कुचले, सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित लोगों के उत्थान के लिए योजनाएं होती हैं। और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को आज पूरा देश याद कर रहा है, नमन कर रहा है, और ऐसे में योगी आदित्यनाथ भी संबोधन कर रहे थे। और आप देखिए, तमाम उनके योगदानों की बात वो बता रहे थे और कहा उन्होंने ये भी कि सिर्फ पक्ष ही नहीं बल्कि विपक्ष के लोग भी उनको पूरी ही आस्था और सम्मान की नजरों से देखते थे। और आज मान बनाया है 2022 यानी भारत द्वारा।